अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आपकी शीट में एडिटिंग ना कर सके और उसे ओपन भी ना कर सके और ना ही आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसे कॉपी पेस्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपल आप यहाँ पर रिव्यू के जो टैब है उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये जो सिलेक्ट अनलॉक सेल्स और सिलेक्ट लॉक सेल्स है आप इसको अनचेक कर दें ताकि ये जो आपके सेल्स हैं और ये जो जितना भी डाटा आप यहाँ से सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट ना हो। यहाँ पर आप सिंपल अपना पासवर्ड टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर रही हूँ जो आपने किसी को भी नहीं बताना और कोई भी आपका फाइल एक्सेस ना कर सके। यहाँ पर आप पासवर्ड अगेन टाइप करेंगे। इस तरह से पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपल आप ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम सिंपल अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। देखिए कि जो हमारी फाइल है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर आप सिंपल डबल क्लिक करके इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी फाइल को अगर सिलेक्ट भी करना चाहते हैं या उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको वार्निंग मैसेज शो कर देता है कि आप अपने डाटा को ना तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी रिस्ट्रिक्शन कि कोई भी आपके डाटा को जो है कॉपी पेस्ट ना कर सके, उसमें कोई भी एडिटिंग ना कर सके। लेकिन अगर आप अपनी फाइल को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर अनप्रोटेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी फाइल है वो दोबारा से पासवर्ड मांगेगी कि जो आपने फाइल प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था वो अगेन पासवर्ड क्लिक करें तो आप देखेंगे कि अब आप यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइल को ओपन होने से रोक सकते हैं कि कोई भी पर्सन आपकी जो शीट है उसको ओपन ही ना कर सके। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर फाइल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जब फाइल का नेम देकर उसको सेव करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो है टूल्स की ऑप्शन शो हो रही है। इस पर सिंपल आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरल ऑप्शन की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप करेंगे कि कोई भी जो है वो बंदा आपकी जो फाइल को ओपन ना कर सके। यहाँ पर हम पासवर्ड टू ओपन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अगेन पासवर्ड टाइप करें, देन अगेन ओके कर दें। उसके बाद अब हम फाइल को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फाइल यहाँ पर सेव है। सिंपल हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे अपनी फाइल को तो आप देखेंगे कि जो हमारी फाइल है वो ओपन होने से पहले पासवर्ड मांग रही है। तो जिसको पासवर्ड मालूम होगा सिर्फ वही ही इसको ओपन कर सकता है और इसमें एडिटिंग कर सकता है। हम ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी फाइल है वो ओपन हो गई है। सो इस लेक्चर में हमने दो ऑप्शंस को डिस्कस किया, दो मेथड्स को, कि एक तो आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं कि कोई ओपन नहीं कर सकता और अगर कोई ओपन कर सकता है तो वो इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन जो है हमने डिस्कस किए, आप इसको अपने ऑफिस वर्क पे अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।